कोलकाता कांड पर राजनीति तेज, कोलकाता कांड पर अखिलेश का बड़ा बयान, अखिलेश का ममता बीजेपी पर बड़ा बयान, कोलकाता कांड पर पूरे देश में बवाल मचा है। एक तरफ डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है, 17 अगस्त को 24 घंटे के लिए आईएमए हड़ताल पर है, हर तरफ से इंसाफ की मांग हो रही है। वहीं अब इस केस को लेकर जो राजनीति शुरू हुई थी तेज हो चुकी है। ममता बनर्जी, बीजेपी और अब समाजवादी पार्टी भी इस राजनीति में उतर चुका है। सपा के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने इस केस को लेकर अपनी संवेदना भी जताई है और ममता बनर्जी को लेकर बड़ा बयान भी दे डाला है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को तो इस मामले में जमकर आड़े हाथों लिया है। इस घटना में इंसाफ मिलने की बात करते हुए अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए यूपी सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। मैंने बोल दिया, हमारे पत्रकार साथी ने पूछा था, ममता बनर्जी जी खुद महिला हैं और एक महिला का दुख दर्द वो समझती हैं। उन्होंने कार्रवाई की है और जो उनकी डिमांड थी सीबीआई या अन्य संस्था से जांच कराने का, वो भी फैसला सरकार ने लिया है। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। और अगर बंगाल के बारे में इतनी चिंता है, स्वाभाविक है जो घटना हुई है उस हिसाब से जो लोग डॉक्टर्स हैं सब लोग स्ट्राइक पे गए हैं। लेकिन बीजेपी को घटनाओं से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए, किसी भी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए बीजेपी को। आप बताइए, सोनभद्र में जो बेटी के साथ हुआ है उसमें क्या बीजेपी कर रही है, या लखनऊ में एक दलित माँ ने आत्मदाह कर लिया था मुख्यमंत्री ऑफिस में, मुख्यमंत्री कार्यालय में। सोचिए आप, कभी आप कल्पना कर सकते हैं? और फिर झूठा फंसाना, अगर आप पत्रकार हो आपने तो खुद फेस किया है, आप सच्चाई से न्यूज चला देते थे, आप पे मुकदमा हुआ है। एक आध पत्रकार शायद यहाँ भी जेल गया था, बगल के जिले के जेल गए थे, नहीं बगल के जेल के गए थे और इसी जेल में रहे थे, आजमगढ़ की जेल में, याद होगा आपको। अखिलेश यादव ने अपने बयान में ममता बनर्जी पर पूरी तरह से भरोसा जताया है। हालांकि अब ये केस सीबीआई के हाथों में है, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी ने क्या कार्रवाई की है ये सभी के सामने है। फिर भी उन पर आरोप भी लगे कि वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को बचाने का प्रयास कर रही थी। यहाँ उन पर बड़ा सवाल उठता है, सवाल ये भी उठता है कि क्या ममता की सरकार ने इस मामले में सही तरीके से कार्रवाई की? अगर हाँ तो इस केस को सीबीआई के हाथों में जाने की नौबत क्यों आई? वहीं जहां तक बीजेपी का सवाल है, ये अच्छी बात है कि वो मृतक लेडी डॉक्टर और उसके परिवार के लिए सड़कों पर उतरी है। लेकिन बीजेपी पर यहां बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अगर वेस्ट बंगाल बीजेपी शासित प्रदेश होता तो बीजेपी का इस केस के प्रति ऐसा ही रवैया होता? इस सवाल का जवाब पाना है तो जरा मणिपुर हिंसा को याद कर लीजिएगा। इस खबर में बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।